अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है थी? अल्लाह का शुक्र। क्या हो रहा है? घर से बाहर हीरो, अंदर आगे जीरो। नहीं, कोई जीरो नहीं। बहुत अच्छा ट्राउजर पहना है आपने। नहीं, ऐसे कह सकते हैं, ऊपर से हीरो और नीचे से जीरो। इधर चुप करके लेटना है, अगर शोर दिया ना तो दो तीन टाइयां हो जाएंगी। ओके, नहीं, कभी भी नहीं होंगी मेरी चुप करके जान। लेटना है। मैं अभी अभी क्या कह रहा मैंने है अभी क्या पापा, समझाया आपको? अभी तो उठाया था आपने मुझे। कमर आवाज नहीं रहनी चाहिए। उसका दिल ही नहीं है, उसका दिल है खेलने फिर को। छोड़ चलते हो गए। देखना, मैं जिस तरह जाऊंगा ना उस तरफ हो जाएगा। हाँ जी, अब बताओ। बाय द वे, सर्दियाँ आ गई हैं और मैंने वेलवेट वाली ये देखना बेड जरा, शीट्स इधर निकाल से ली आता हैं, जैसा हूँ। कि मैं आपको बताती होती हूँ। देखना, इधर से आगे चेक करना। अभी देखना जरा, ऐसे जैसे इसको, ये देखना। मेरे बेटे की तबीयत अब बेहतर हुई है, खांसी अभी हाँ, अब बाकी है। सीधा देख लो, कोई मसला हो रहा है आपको? अब इस तरफ आना, देख, अभी देखना। जिस तरफ जाता हूँ ना उधर की तरफ मुंह कर लेता है। हाँ जी, कुछ क्या मसला है आपके साथ? है क्या मसला है? इधर अहमद, अहमद यार, अब्बा मेरा, मेरे को मजा आ रहा है। मैं इतनी ठीक हूँ, तो और क्या। अब देखो। हाँ जी, अब बताओ मुझे, इधर देखना अहमद। माशाल्लाह, क्या है, आराम से नहीं लेट सकते? उधर देखो, चलो। अहमद हसन, माशाल्लाह। तो सर्दियां आ गई हैं, हमने ये बेडशीट। अच्छा यार, ये बेडशीट कमाल है यार, ये नई की नई रहती है, पुरानी नहीं होती है ना दीग यार। क्या, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दूध को हमने कर दिया है बॉयल, चिकन ये रखा हुआ है, ये रहा हमारा चिकन, और ये रही हमारे राइस, क्योंकि आज मैं बनाने जा रही हूँ अपने बेटे की फरमाइश पर चिकन राइस। तो मेरा दिल चाह रहा है यखनी पुलाव बनाने को, सो चलें आप मेरे साथ। मैंने सोचा कि चलें आप लोगों को भी ना आज शामिल कर लूँ साथ। शाम का टाइम होने वाला है, वो मेरा बेटा सो रहा है, उसके पास नहीं जाऊंगी वरना वो रोने लग जाएगा। आज मैं थोड़ा ना डिफरेंट तरह के चावल बनाने जा रही हूँ, यखनी पुलाव। चिकन को मैंने रख दिया है हल्दी, ओहो, नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर, और इसको जब गल जाएगा ना, थोड़ा सा पानी जो बचेगा, मतलब प्रॉपर यखनी ऐसे नहीं बना रही मैं। प्याज मैंने काट लिए हैं, और जी यहाँ पर हम डालेंगे ऑयल। आज अतीक जो ना वो गए हुए हैं लाहौर, वो वापसी के लिए निकल चुके हैं, वो आने वाले होंगे। तो उन्होंने छोटे को कहा था कि चिकन वगैरह दे जाए, देवर मुझे जो ना वो दे गया चिकन और जो चीज़ें मैंने मंगवानी थी, क्योंकि हसन ने फरमाइश की थी जी मैंने चावल खाने हैं। भाई चिकन तो हमारा गल चुका है, और बस प्याज को मैं थोड़ा सा ब्राउन करना चाह रही हूँ, थोड़ा ज़रा डार्क ब्राउन, ताकि राइस का कलर अच्छा है। आज पता नहीं क्यों इस तरह के खाने को दिल चाह रहा है। प्याज टमाटर मैंने काट दिए हैं, और यहाँ मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, ये देखिए, आजकल जो है ना खांसियाँ, गले ख़राब सारों के, तो ये अंकल जी ने जो है वो बताया था कि ये आपने खाना है, इससे जो है ना वो बहुत अच्छा सुकून मिलेगा। अच्छा जी, दिखाने के चक्कर में मेरे प्याज जल रहे हैं, ये देखिए हो गया ब्राउन। हम ऐड करेंगे ये टमाटर, ये चिकन हम यहाँ से उठा के देंगे सारा। अच्छा जी, चिकन डाल के भुनाई कर रही हूँ मैं, और ना मेरा बेटा जो ना वेट कर रहा है चावल का, क्योंकि उसने मुझे कहा था पापा, मामा मुझे ना चिप्स दे देंगे, और जब वो इस तरह की चीज़ की डिमांड करते तो मुझे समझ में आता है कि इसको भूख लगी होती है। तो मैंने छुपाई हुई है चिप्स के, यार इसके
इससे पहले कि राइस तैयार कर लूँ, चिप्स खा ले, रेसिपी भूख ख़राब हो जाएगी तो इसे राइस नहीं खाना। तो कोशिश में ना करें कि मैं कामयाब हो जाऊँ। ये यखनी जो मैं इसमें डाल देती हूँ, थोड़ी सी यखनी थी बाकी मैंने पानी मेजरमेंट करके डाला इसमें, और चलें बस हो गया तकरीबन। और जनाब पानी हमारा खुश्क होने को है, इसको बस दम पे लगाऊंगी मैं और राइस हमारे रेडी हो जाएंगे। मगरिब की नमाज़ का टाइम हो चुका है, वो मैं पढ़ती हूँ। सर्दियाँ आ गई है। आ ही गई है। तो आप कंबल के अंदर क्यों घुसे हुए हैं? सोने लगे। ये लाहौर गए हुए थे आज, तो ये लाहौर से आए हैं। ठीक है। और ना हसन, आप अभी भैया शायद खेली खेली कर रहे थे, कैसे हाथ से उधर से गिर जाओगे हसन? ये देखिए अहमद हसन का रिश्ता सुन रहे हैं ना आप, इसके लिए कोई टिप हो तो मुझे दे दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि ये जो है ना मसला, मैं बड़ी इसके लिए वजह से परेशान हूँ। हसन उसके पेट तो नहीं दबाओ बेटा, बाय द वे ठंड आ गई है और हमने नया कंबल निकाल लिया। क्या खेली हो रही है जी, क्या खेलूं मैं आपके साथ? आप अभी एरोप्लेन बना रहे थे, दिखाओ जरा एरोप्लेन कैसे उड़ता है आपका। ये देखें भैया एरोप्लेन बना के तो उड़ाने की कोशिश। ओह वाह, लेके आओ अपना एरोप्लेन, दिखाओ जरा मुझे। हस्बी अल्लाह बेटा, ध्यान से ना, ऐसे थोड़ी करते हैं। अपनी पेंटी भी ऊपर करो, नीचे को जा रही है। इधर आओ, मैं करती हूँ, आओ मैं करती हूँ बेटा, ठीक करती हूँ ना पेंटी आपकी। जी तो बस आज का जो वीडियो है मेरा बस यहीं तक है, और ठंड जो वो शुरू हो चुकी है। आज जो मैंने थोड़ा लेट शॉवर लिया था, और अभी देखिए मेरे बाल इस कदर गीले हैं ना, मैं ड्रायर कह रही हूँ। हाँ उसे क्या बोलते हैं, स्पिनर में अपने बाल डाले हैं मैंने। अच्छा नहीं, मैंने ओहो बेटा कितनी बुरी बात है सोन, मैंने ड्राई नहीं किए जानबूझ के बाल, क्योंकि वो ना कहते हैं ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, तो बस आज का वीडियो यहीं तक था, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलती हूँ। दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, आपके प्यार मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।